योगी सरकार ने प्रदेश की स्वास्थ्य सेवा को दुरुस्त करने के लिए एक और कदम उठाया है। योगी सरकार ने प्रदेश के 6 राजकीय मेडिकल कॉलेजों और कानपुर के 2 चिकित्सा संस्थानों में ई हॉस्पिटल सेवा की शुरुआत की। ई हॉस्पिटल सेवा की शुरुआत होने के बाद अब मरीजों को ओपीडी में दिखाने के लिए लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मरीज ई हॉस्पिटल के माध्यम से घर बैठे ही डॉक्टर के साथ मिलने का समय तय कर सकेंगे, जिससे मरीजों को डॉक्टरों को दिखाने में काफी आसानी होगी और इसके साथ ही मरीजों को ऑनलाइन पंजीकरण समेत फीस जमा करने की भी सुविधा मिलेगी। कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन ने बताया कि ई हॉस्पिटल सेवा की शुरुआत एक क्रांतिकारी कदम है। प्रदेश में जो 6 पुराने मेडिकल कॉलेजेस हैं जहां पेशेंट का लोड बहुत अधिक है, उनमें झांसी, मेरठ, इलाहाबाद, गोरखपुर, आगरा और कानपुर, ये 6 मेडिकल कॉलेज हैं। 2 संस्थान हैं कानपुर में, कार्डियोलॉजी संस्थान और कैंसर संस्थान। इन 6 मेडिकल कॉलेज में पेशेंट का लोड बहुत है। यहाँ हमने ई हॉस्पिटल योजना शुरू की है। इसमें सारी सेवाएं ऑनलाइन होंगी। इससे चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को एक बड़ा डाटाबेस उपलब्ध होगा, पेशेंट को उपचार में सुविधा होगी पेशेंट केयर के क्षेत्र में, और इसके साथ साथ ये योजना एक बड़ा क्रांतिकारी कदम है। इससे हमारे पूरे चिकित्सा शिक्षा विभाग में एक पारदर्शिता आएगी, सारे कार्यों में पारदर्शिता होगी। अभी प्रथम चरण में आज जो सेवाएं शुरू हुई हैं उसमें रजिस्ट्रेशन है ऑनलाइन, ओपीडी, आईपीडी, और सबसे बड़ी बात, कोई भी पेशेंट घर बैठे अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। वो अपना रजिस्ट्रेशन करा लेगा, वो जब वहाँ आएगा तो उसके लिए निर्धारित समय होगा, एक अलग विंडो होगी, उनको असुविधा नहीं होगी, उनका समय ज़्यादा नहीं लगेगा। द्वितीय चरण इसका जो सेकंड फेज है, 3 महीने के अंदर वो शुरू होगा, उसमें सारा जो मेडिसिन का स्टॉक और फार्मेसी है उसको ऑनलाइन किया जाएगा। कौन सी दवाएं उपलब्ध है, कौन सी नहीं है, कौन सी कम हो रही है, ये रिकॉर्ड रहेगा, डिस्प्ले भी किया जाएगा। साथ ही साथ कौन सी दवाइयों की एक्सपायरी डेट नज़दीक है उस पर भी नज़र रखी जाएगी। आपको बता दें कि सरकार ने जिन राजकीय मेडिकल कॉलेजों में ई हॉस्पिटल सेवा की शुरुआत की है उसमें इलाहाबाद, मेरठ, आगरा, गोरखपुर, झांसी और कानपुर मेडिकल कॉलेज शामिल हैं। इसके अलावा कानपुर के LPS इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और JK संस्थान में भी इस सेवा को शुरू किया गया है। इन अस्पतालों की OPD के साथ साथ IPD वार्ड, ICU और OT को भी ई हॉस्पिटल सॉफ्टवेयर से जोड़ा जाएगा। लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट।